हम लोग बोलिया आज चर्चा मुगलाई महसूस करेंगे महिंद्रपाल की उपलब्धियों के बारे में। आवाज सबको जा रही है ना? जी सर, आ रही यस है। सर। तो महिपाल, गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल की उपलब्धियों के बारे में आज हम उल्लेख करेंगे। महिपाल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 910 से लेकर के 930 AD तक माना जाता है। आप जानते हैं कि जो महाकवि राजशेखर है, महिंद्रपाल के दरबार में प्रतिष्ठा पाने के पश्चात उसके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में अपनी शोभा को बढ़ा रहा था, जिसकी पुष्टि हमें बाल भारत से होती है, जिसमें उन्होंने महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि एवं आर्यावर्त महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया है। हम ये भी जानते हैं कि महिपाल महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। हड्डाला अभिलेख के अनुसार उसकी सर्वप्रथम ज्ञात तिथि 914 AD है, जबकि इसके पिता की अंतिम ज्ञात तिथि 907 AD है। तथापि अनुमानतः या 910 ईस्वी के आसपास कन्नौज की गद्दी पर आसीन हुआ होगा। तथापि कुछ विद्वानों का मानना है कि गद्दी पर बैठने के पूर्व उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था और इसके पूर्व उसके सौतेले भाई भोज ने कम से कम 2 वर्षों तक गद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अंततः इस संघर्ष में महिपाल विजयी होकर ही 912 AD के आसपास सम्राट पद प्राप्त कर सका था। इतिहासकार बीएनपुरी के अनुसार महेंद्रपाल की मृत्यु 910 ईस्वी के आसपास हुई और उसके उत्तराधिकारी के रूप में महिपाल गद्दी पर बैठा। तथापि कोक्कल देव ने राष्ट्रकूट नरेश द्वितीय कृष्ण के सहयोग से कन्नौज पर धावा बोल दिया और महिपाल को पराजित कर द्वितीय भोज को गद्दी पर बैठाया। इस युद्ध का नेतृत्व तृतीय इंद्र कर रहा था। महिपाल कन्नौज छोड़कर चला गया और चंदेलों के यहाँ शरण ली। भोज के अल्प समय तक शासन किया। तथापि उसके सहयोगियों की वापसी पर महिपाल ने कन्नौज के सिंहासन पर पुनः अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस समय तक कोक्कल देव की मृत्यु हो चुकी थी और भोज को राष्ट्रकूटों से भी कोई सहायता नहीं मिली। महिपाल उपनाम क्षितिज पाल की सहायता चंदेल नरेश हर्षदेव कर रहा था, जो कन्नौज नरेश के विरुद्ध था।
कुछ विद्वानों का मानना है कि महिपाल की समता विनायक पाल के साथ स्थापित करने का प्रयास किया है तथा महिपाल को तीन नामों से संबोधित किया गया है, जैसे क्षितिपाल, क्षितिपाल, विनायक पाल और हेरंब पाल। महेंद्र पाल की मृत्यु के पश्चात ही महिपाल गद्दी पर आसीन हुआ, जिसकी विस्तृत विजयों का उल्लेख राजशेखर ने अपने ग्रंथ बाल भारत या प्रचंड पांडव में किया है। वह इन दोनों पिता पुत्रों के बीच राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में किसी अन्य की उपस्थिति नहीं स्वीकार करता और न ही उत्तराधिकार के युद्ध जैसी किसी अप्रिय घटना का विवरण देता है। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर उत्तराधिकार संबंधी युद्ध की क्षीण संभावना भी नहीं दिखाई पड़ती। अतः यह जो कल्पना है वो विद्वानों के मस्तिष्क की उपज मात्र है, जो उसके द्वारा स्थापित अशुद्ध एकताओं पर आधारित है। महिपाल और राष्ट्रकूट आक्रमण। गोविंद तृतीय के उत्तरी भारत के अभियान के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक प्रतिहारों के संबंध में राष्ट्रकूटों की नीति प्रधानतः रक्षात्मक हो गई और इसी बीच प्रतिहार सम्राटों ने अपने साम्राज्य में पर्याप्त वृद्धि कर उसे संगठित कर लिया था। भोज के समय में स्वयं उसकी ही राजनीतिक गतिविधियों के कारण अनेक सीमावर्ती संघर्ष हुए, जिनमें राष्ट्रकूटों को काफी संख्या में क्षति उठानी पड़ी। अमोघवश प्रथम 840 से 880 ईस्वी तक तथा उसके उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय 880 से 914 ईस्वी में प्रतिहारों पर आक्रमण करने की क्षमता का नितांत अभाव था। ऐसे में ध्रुव एवं गोविंद तृतीय के नेतृत्व में उत्तरी भारत की दिग्विजय करने वाले राष्ट्रकूटों को इन दुर्बल सम्राटों के शासनकाल में अपने पैतृक शत्रुओं के समक्ष अपमान की घूंटे पीने पड़े थे। कृष्ण द्वितीय के पौत्र इंद्र तृतीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही इस अपमानजनक स्थिति का अंत करने का निश्चय किया। यह सम्राट घोर महत्वाकांक्षी था, जो उत्तरी भारत के सफल अभियान द्वारा न केवल सैनिक कुशलता के क्षेत्र में ध्रुव एवं गोविंद की श्रेणी में आना चाहता था, तथापि एक बार पुनः प्रतिहारों का मान मर्दन कर राष्ट्रकूटों का खोया वैभव पुनः प्राप्त करना चाहता था। इस अभियान का पूरा विवरण हमें प्राप्य नहीं होता है, लेकिन जो भी विवरण दिग्विजय संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो राष्ट्रकूट गोविंद चतुर्थ के कम्बे दानपत्र में मिलता है, जिसमें उल्लिखित है कि उसने शत्रुनगर महोदय को, महोदय का आशय कन्नौज से है,
का समूल उन्मूलन किया जो आज भी लोगों में कुश स्थल के नाम से विख्यात है। ए एस अल्टेकर और रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि कालप्रिय नामक स्थान का तात्पर्य उज्जैन के महाकाल से है, अतः इंद्र ने सर्वप्रथम उज्जैन को आक्रांत किया और तदुपरांत आगे बढ़कर मार्ग में यमुना नदी को पार करते हुए वह कन्नौज पहुंचा।